कुंभ मेला शुरू होने में अभी कुछ दिन का समय शेष है। इस मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में किया जा रहा है, जो 15 जनवरी से 4 मार्च तक चलेगा। इस बीच भगवा कपड़ा पहने एक फ्रांसीसी पूरे संगमवीर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इन्हें डैनियल बाबा के नाम से जानते हैं। डैनियल बाबा फ्रांस के रहने वाले है। वो करीब 30 साल पहले शांति की तलाश में भारत आए थे और यहाँ के होकर रह गए। जब वो पहली बार भारत आए तो उन्हें यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन बाद में वे निरंकारी अखाड़े के देवगिरी संत के संपर्क में आए और उन्हें सनातनी धर्म और अखाड़े की दिनचर्या के इतना प्रभावित किया कि उन्हें यहाँ पर रहने का फैसला कर लिया। डैनियल बाबा ने अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया है और देवगिरी संत को अपना गुरु बना लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू धर्म अपनाकर अपना नाम बदला लिया है। डैनियल से भगवान गिरी बन गए हैं। डैनियल बाबा वो सब कुछ करते हैं जो एक साधु संत करता है। वो अपने साथियों यानी अन्य साधुओं के साथ भी भोजन करते हैं और एक संत जीवन पूरी तरह से पालन करते हैं। डैनियल बाबा ने इतने सालों तक भारत में रहते रहते टूटी हिंदी सीखी है। वो योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं और यहाँ तक कि वो भजन करते हैं। डैनियल बाबा हाल ही में कुंभ में आने अखाड़े में धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है। उनका कहना है कि कुंभ खत्म होने तक प्रयागराज में ही रहेंगे। जेड न्यूज़ की रिपोर्ट।